वेलकम टू टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप है टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित, स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के फोर्थ पार्ट में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के थर्ड पार्ट में हम बात कर रहे थे कंप्यूटर कीबोर्ड के कीज के विषय में। हमने जाना कि फंक्शन कीज में कौन कौन सी कीज आती हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट फोर, जिसमें हम जानेंगे कि राइटिंग कीज में कौन कौन सी कीज आती हैं। राइटिंग कीज के विषय में मैं ये बता चुका हूँ कि हमारे कीबोर्ड का जो सेकेंड रो है, वहाँ से राइटिंग कीज की शुरुआत होती है। तो कीबोर्ड में सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो, ये राइटिंग कीज में आती है। यानी हमें कीबोर्ड का फर्स्ट रो और लास्ट रो यानी सिक्स्थ रो छोड़ देना है, ये राइटिंग कीज में नहीं आती है। और एक बात और मैंने ध्यान रखने के लिए कहा था कि चारों रो में हमें बाईं ओर से एक की छोड़नी है और दाईं ओर से भी एक की छोड़ देनी है। इसका कारण ये है क्योंकि ये राइटिंग कीज में नहीं गिनी जाती है। ये जो कीज हैं ये इंटरमीडिएट कीज में आती हैं। तो इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम देखते हैं कि राइटिंग कीज में कौन कौन सी कीज होती है। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि राइटिंग कीज के जो चार रो हैं, अब हम इसे क्रमशः फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो कहेंगे, ठीक है। तो जो चार रो हैं इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो जो राइटिंग की का फर्स्ट रो है उसे हम कहते हैं नंबर रो, जो सेकंड रो है
उसे हम कहते हैं टॉप रो। जो थर्ड रो है उसे हम कहते हैं होम रो। और जो फोर्थ रो है उसे कहते हैं बॉटम रो। तो यदि हम ऊपर से नीचे क्रमशः देखें तो नंबर रो, टॉप रो, होम रो और बॉटम रो, इन चारों रो में जो मेन रो है, जो मुख्य कतार है, वो है होम रो। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि होम रो में दो कीज ऐसी हैं जिसपे आपको डॉट बने हुए मिलेंगे। आगे चल के हम देखेंगे कि कौन कौन से वो कीज हैं जिन पे डॉट बने होंगे, जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये होम रो है और ये होम रो मेन रो कहा जाता है इसको। तो सबसे पहले हम नंबर रो में चलते हैं और ये देखते हैं कि नंबर रो में कौन कौन सी कीज आती हैं। हम बाईं ओर से शुरू करेंगे और एक एक की के नाम हम जानेंगे कि नंबर रो में कौन कौन सी कीज आती हैं। तो बाईं ओर से हम दाईं की ओर बढ़ेंगे। तो जो नंबर रो में कीज हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -equal। ठीक है, ये नंबर रो में 12 कीज हैं जो अभी हमने इनके नाम देखे, ये 12 कीज हैं। अब हम टॉप रो की बात करेंगे। तो जो सेकेंड रो है वो है टॉप रो। इसमें भी हम बाईं ओर से शुरू करेंगे और दाईं ओर जाएंगे हम। तो टॉप रो में जो कीज हैं वो है Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, ये हमने बात की टॉप रो की। इसमें भी 12 कीज हैं। आपको गिनना है कि 45 कीज होती हैं या नहीं, इसीलिए मैं हर रो में कीज की संख्या भी बता रहा हूं। ठीक है, तो अब तक 24 कीज हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड रो की, जिसका नाम है होम रो। होम रो में देखते हैं कौन कौन सी कीज आती हैं। हम लेफ्ट की ओर से शुरू करेंगे और राइट की ओर बढ़ेंगे। तो ए, एस, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, सेमीकोलन, अपोस्ट्रोफी। ठीक है, चूंकि अभी हम NVDA यूज कर रहे हैं स्क्रीन रीडर में, तो अपोस्ट्रोफी जो सिंबल है इसे ये टिक प्रोनाउंस करता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें 11 कीज हैं। जो थर्ड रो है होम रो, इस रो में 11 कीज हैं। ठीक है, तो टॉप रो में 12 कीज, और सबसे पहले नंबर रो में 12 कीज, उसके बाद टॉप रो में 12 कीज, अब होम रो में 11 कीज। और होम रो की विशेषता जो मैंने पहले आपको बताई कि इसमें दो कीज ऐसे हैं जिस पे डॉट बना हुआ है, तो इसमें जो एफ और जे, ये दो कीज ऐसी हैं जिस पे डॉट बना हुआ है। और इस डॉट बनने का कारण जो है मैं आपको बताऊंगा बाद में कि क्यों बनाया गया है। अब हम बात करेंगे लास्ट रो यानी फोर्थ रो की। फोर्थ रो में देखते हैं
कौन कौन सी कीज आती हैं, फोर्थ रो कौन सा है, बॉटम रो। बॉटम रो में लेफ्ट से शुरू करेंगे और राइट की ओर जाएंगे, तो जेड एक्स सी वी बी एन एम कॉमा फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को ये डॉट बोल रहा है, और स्लैश। ठीक है, तो इसमें 10 कीज हैं। नंबर रो में 12 कीज, टॉप रो में 12 कीज, होम रो में 11 कीज और बॉटम रो में 10 कीज, तो ये टोटल हुए 45 कीज, 45। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस विषय को हम कंटिन्यू करेंगे किंतु अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्ते। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kirolimalcollege@gmail.com amitkumar.kirolimalcollege@gmail.com हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383